जुजुत्सु कायदन की स्टोरी ने क्या क्रेजी ट्विस्ट ले लिया है, क्योंकि जुजुत्सु कायदन चैप्टर 256 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड यहां पे स्टोरी एक अलग ही हिसाब से चल रही है, क्योंकि लिटरली इस पूरे इंटायर स्पॉयलर में सुकुना सिर्फ पिटा है एंड इतादोरी यूजी ने जो अपनी अवेकनिंग करी है पिछले चैप्टर में वो इस चैप्टर में क्लियरली दिखाई दे रही है। इनफैक्ट सुकुना ने अपने पास्ट में कुछ ऐसा रिवील भी किया जो कि सब लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के हम जुजुत्सु कायदन चैप्टर 257 के स्पॉयलर्स की ओर बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्मॉल फ्लैशबैक से, जहां पे सुकुना एंड उरामे एक छत पे बैठे होते हैं, जहां पे उरामे सुकुना से ये पूछती है कि इतादोरी यूजी ये कौन है जिसपे इतनी कम कर्स एनर्जी होने के बाद भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। सुकुना उरामे को ये बताता है कि जब सुकुना अपने मम्मी के पेट में था तब उसके साथ उसका एक ट्विन ब्रदर भी था, जहां पे सुकुना अपनी मॉम के पेट के अंदर ही अपने भाई को खा लेता है, बट समहाउ केंजाकू के पास सुकुना के ट्विन ब्रदर की सोल आ जाती है एंड वो उसको इतादोरी यूजी की बॉडी में इंप्लीमेंट कर देता है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि सुकुना एंड इतादोरी यूजी ट्विन ब्रदर हैं। जहां पे उरामे ये सोचती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यूजी में आपकी तरह ही बहुत ज्यादा एक्सपोटेंशियल पोटेंशियल होगी, बट सुकुना इसका जवाब नहीं देता है एंड हमें सुकुना वर्सेस यूजी की फाइट चालू हुई दिखती है, जहां पे यूजी दोबारा सुकुना को अपने ब्लैक फ्लैश से हिट कर देता है। ये दूसरी बार है जहां पे सुकुना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी तो वो यूजी को थोड़ा पीछे पुश करने की कोशिश करता है, जहां पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि इतादोरी यूजी के पास अभी दो कर्स टेक्निक है, एक है द ब्लड मैनिपुलेशन फ्रॉम द डेथ पेंटिंग एंड सेकेंड है सुकुना'स कर्स टेक्निक मिजाशी विच मीन्स श्राइन। इसका मतलब इतादोरी यूजी करेंटली सुकुना की कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, मीन्स श्राइन। नाउ बैक टू द फाइट, यूजी सुकुना का पैर पकड़ता है एंड अपनी कर्स टेक्निक सुकुना के ऊपर ही भेज देता है, बट सुकुना इसी चीज का काउंटर करके अपनी ही श्राइन इतादोरी यूजी के ऊपर भेज देता है, बट इतादोरी यूजी उन श्राइन के बीच से निकल जाता है, वो भी अनफेज्ड एंड सुकुना को तीसरी बार ब्लैक फ्लैश से जड़ देता है। सुकुना को एकदम से ये रियलाइज होता है कि यूजी के पास उसी की तरह सेम कर्स टेक्निक है, बट उनके और उसकी कर्स टेक्निक के बीच में एक डिफरेंस है, बट सुकुना ये चीज समझ नहीं पा रहा होता है कि इतादोरी यूजी ने इतने कम टाइम में ये कर्स टेक्निक सीख कैसे ली, बट somehow उस कर्स टेक्निक का आउटपुट एज कम्पेयर टू द सुकुना काफी लो था। अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे इनो गोजो शोको एंड ईजी से एक परमिशन मांग रहा होता है क्या वो नानेमी का कर्स टूल यूज कर सकता है, एंड वो इनसे परमिशन इसलिए मांग रहा होता है क्योंकि ये सारे लोग नानेमी के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं एंड गोजो इस चीज की परमिशन दे देता है। वो ये कहता है कि नानेमी ने तुम्हें चुना है एंड वो तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। कट टू द प्रेजेंट, इनो यूज करता है कर्स टेक्निक टू समन अ ड्रैगन एंड वो सुकुना को अटैक कर देता है उस ड्रैगन से, बट सुकुना अपने श्राइन से उस पूरे ड्रैगन को कट कर देता है एंड इनो से नानेमी का कर्स टूल लेके ले लेता है, बट उसके पीछे से इतादोरी यूजी आ जाता है सुकुना पे अटैक करने के लिए, जहां पे इतादोरी यूजी एक और बार सुकुना को ब्लैक फ्लैश से हिट करता है एंड इस बार ब्लैक फ्लैश खाने के बाद सुकुना को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। वो ये कहता है कि इतादोरी यूजी ब्लैक फ्लैश को ऐसे तरीके से यूज कर रहा है जैसे कि ये एक बच्चों का खेल हो एंड लिटरली सुकुना को इतनी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही होती है कि इतादोरी यूजी इक्वली सुकुना को टक्कर दे रहा है। जहां पे सुकुना अपना दिमाग लगाता है, जहां पे इतादोरी यूजी एंड इनो खड़े होते हैं वो वहां पे उस दीवार को ही तोड़ देता है अपने स्लैशेस को यूज करके एंड इतादोरी यूजी सुकुना एंड इनो सारे के सारे नीचे जा रहे होते हैं, बट यूजी सुकुना का एक हाथ पकड़ लेता है एंड एक मुक्का देके सुकुना को वॉल की तरफ धकेल देता है। इस चीज का फायदा उठा के इतादोरी यूजी सुकुना के मुंह पे एक और बार ब्लैक फ्लैश जड़ देता है, बट दिस टाइम सुकुना इतादोरी यूजी का मुंह पकड़ लेता है एंड अपने स्लैशेस जड़ देता है इतादोरी यूजी के मुंह पे, बट स्टिल इतादोरी यूजी सुकुना को एक और ब्लैक फ्लैश जड़ देता है। सुकुना इस बार ब्लैक फ्लैश खा के बहुत ज्यादा खिसियाट में आ जाता है एंड वो ये कहता है इतादोरी यूजी से कि तू होता कौन है कि जो इतनी बार मुझे ब्लैक फ्लैश हिट कर रहा है, एंड बस सुकुना ये कह ही रहा होता है इनो आता है सुकुना से उसका नाइफ छीनता है एंड इनो नानेमी के नाइफ से सुकुना के मुंह पे स्लैश कर देता है, जहां पे यूजी को टाइम मिल जाता है कि वो एक दूसरा ब्लैक फ्लैश सुकुना के ऊपर जड़ पाए एंड जैसे ही वो प्रिपेरेशन कर लेता है पूरे ब्लैक फ्लैश की, तदुरी यूजी आठवीं बार सुकुना को ब्लैक फ्लैश जड़ देता है
एंड इसी के साथ जुजुत्सु कायदन के चैप्टर 257 यहीं पे समाप्त हो जाता है। एंड यहाँ पे थ्रू आउट पूरे चैप्टर में इतादोरी यूजी ने 7 बार सुकुना को ब्लैक फ्लैश जड़ा है। एंड आई टोटली अग्री कि इतादोरी यूजी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है पूरे जेजेके में जो ब्लैक फ्लैश यूज कर पाए। तो यही था जुजुत्सु कायदन का चैप्टर 257 के स्पॉयलर्स। अगर आपको स्पॉयलर्स पसंद आए हो सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ इसके चैप्टर रिव्यू के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल सायोनारा।